स्प्राइट बहुत सी टाइप की हैं इस प्रोग्राम के अंदर, और हम राइट क्लिक राइट साइड में क्लिक करेंगे तो डिफरेंट टाइप्स की स्प्राइट्स आ जाएंगे। जैसे इसने यहाँ आल लिखा, आल के बाद मैं एनिमल कर सकता हूँ, तो मेरे पास बहुत से एनिमल की स्प्राइट्स आ जाएंगी। जो आपको अच्छी लगे आप चूज कर सकते हो। यहाँ पे पीपल अलग अलग टाइप की, फिर फैंटेसी, फिर डांस मीन्स डांस अलग अलग टाइप का, अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट, फिर म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट्स। अगर आप कोई एनिमेटेड स्टोरी बना रहे हो और वहाँ अगर हमें माइक की कोई ज़रूरत होती है, हमें यूज़ करना होता माइक, तो हम यहाँ से माइक वहाँ सेट कर सकते हैं। फिर स्पोर्ट्स के अलग अलग एक्शंस एंड अलग अलग आइटम्स, फूड, फिर फैशन, फिर कुछ लेटर्स अगर हमें यूज़ करने होते हैं, तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप और अलग अलग स्टाइल में हमें मिल जाते हैं। अब मैं एक स्प्राइट सेलेक्ट कर रहा हूँ। मान लो मैंने एनिमल की कोई एक स्प्राइट सेलेक्ट की और ऑलरेडी मेरे पास एक एनिमल की है। अब मान लो मैं फ्लाइंग कैट कर रहा हूँ, तो मेरे पास ये दो कैट आ चुकी है, एक ऑलरेडी थी जो इनिशियली होती है और एक दूसरी टाइप की आ चुकी है। अब मुझे फर्स्ट कैट जो मेरे पास है, जो फर्स्ट स्प्राइट है, इसको मैं कस्टमाइज कैसे करूँ, मीन्स अब मेरे अकॉर्डिंग मैं इसमें क्या क्या चेंज कर सकता हूँ। तो जहाँ कोडिंग है, कोडिंग से नेक्स्ट एक कॉस्ट्यूम है, मीन्स मैं इसके कॉस्ट्यूम चेंज कर सकता हूँ जो मेरी मर्जी है, जैसा मुझे चाहिए। मैं अपनी खुद की कॉस्ट्यूम भी बना सकता हूँ और यहाँ ऐड कर सकता हूँ। जैसे बहुत से डोरीमोन टाइप के जो कार्टून वाले हैं, वहाँ भी ऐड नहीं है। तुम अपने कार्टून का कॉस्ट्यूम बना सकते हो और यहाँ अपने ऐड कर सकते हो। अब अगर सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ ये जो माउस टाइप का एरो है, ये सिलेक्ट करने के काम आता है कि पहले मैं इसको राइट क्लिक करके और इसको सेलेक्ट करूँ, तो मीन्स अब ये सेलेक्ट हो गई। अभी पूछ रहा है कि मैं इसको ग्रुप करूँ या अनग्रुप करूँ। अनग्रुप में ये सारे पार्ट अलग अलग हो जाएंगे और ग्रुप में ये एक हो जाएगी, तो मैंने ग्रुप किया। अब मैं इसके ऊपर कुछ भी कर सकता हूँ, इसको छोटा कर सकता हूँ। कई बार हमें क्या चाहिए, जो बॉल होती है वो छोटी चाहिए, तो इसको मैंने छोटा किया, लेफ्ट राइट सबसे छोटा कर सकते हो, तो छोटी सी कैट हो जाएगी। अब अपने इस वर्किंग फील्ड में देखिए, जो हमारा फील्ड है ये बहुत छोटी हो, इसको और छोटा कर सकते हो, देखिए और छोटी हो जाएगी। और मैं इसको और बड़ा कर सकता हूँ, अगर मुझे चाहिए तो मैं बड़ी कैट ले सकता हूँ। जैसे मुझे बॉल एक छोटी सी चाहिए ताकि वो जल्दी से स्ट्राइक न हो, या इसे पास हो जाए दूसरी ऑब्जेक्ट जब हम लेंगे। कई बार हमें तीन तीन चार चार ऑब्जेक्ट्स लेने होते हैं कोई गेम बनाने के लिए। अनग्रुप और ग्रुप, अब दोबारा से दिखा देता हूँ। मैंने इसको अनग्रुप किया, अनग्रुप में अब ये क्या हो गई, सभी अलग अलग पार्ट हो गए। मान लो इसका माउस माउथ है, माउथ अलग निकल गया। इसकी ये आई है, जिसने भी डिज़ाइन किया था ये अलग अलग डिज़ाइन किए हुए हैं। इसकी ये आई अलग हो गई, इसकी ये आई अलग हो गई, इसका ये वाला पोर्शन अलग हो गया जिसने लगाया था। अभी कैट ऐसी है, मैं ऐसी भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसका एक हैंड अलग है, ये मैं यहाँ से उठा सकता हूँ। इसकी एक लेग या इसका बीच का पोर्शन उठ गया, ये हो। तो ये अलग अलग थे, मैं इनको अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकता हूँ। अब मान लो मुझे ओरिजिन लानी है, तो इसको अनग्रुप कीज दीजिए, वापस आ जाएगी। तो ये अनग्रुप और ग्रुप, ये मैं इसको इस तरह से अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकता हूँ। फिर है ब्रश, मीन्स मुझे जहाँ भी सिलेक्ट करो, और यहाँ से मैं कलर और सेट कर सकता हूँ। जहाँ फिल लिखा हुआ है, फिल में जाइए, यहाँ कलर्स आ जाएंगे जिसके अकॉर्डिंग। मान लो आपको बहुत ज़्यादा रेड कलर चाहिए, तो रेड कलर हो जाएगा।
थ्रिल कि मुझे इसकी आईज में कहीं एक थ्रिल करना है, एक डॉट लगाना, तो रेड कलर का डॉट लग गया, एक ये डॉट लग गया, जहाँ भी आप लगाना चाहते हो यहाँ एक डॉट लग गया। और कुछ इसमें और डिज़ाइन करना चाहते हो कि मुझे इसकी जो टेल है वो ग्रीन कलर की चाहिए, तो मैं यहाँ से ग्रीन कलर को सिलेक्ट करूँगा और ग्रीन कलर सेलेक्ट हो गया है। अब इसकी टेल को मैं फिल कर दूंगा ग्रीन कलर से, ये इस तरह से कर दीजिए, तो ये मेरे अकॉर्डिंग सेट हो गए। मुझे इसकी कलर से, या इसमें एक फिल ऑप्शन और है, ये इरेज है, इरेज में मैंने जो कुछ किया मुझे उसको इरेज करना है, या जो इसके पास है वो भी इरेज करने हैं, तो यहाँ इरेज कर दीजिए, ये सारा इरेज हो जाएगा, ये इरेज कर दीजिए, ये इसकी लेग इरेज हो गई, जो इरेज करना है। अब इसके बाद कि मुझे पूरा ही कंप्लीट इसको फिल करना है, ये फिल वाला ऑप्शन है जैसे हम पेंट में करते हैं, तो मुझे इसका कोई एक पोर्शन फिल करना है, ये वाला, कि मुझे इसकी एक आई रेड कलर की चाहिए, एक आई ब्लैक कलर की चाहिए, या एक आई चाहिए नहीं, तो आप उसको एडिट कर सकते हैं। फिर मुझे अगर इस स्प्राइट का अपने अकॉर्डिंग नेम करना है तो इस टेक्स्ट पे जाइए, टेक्स्ट पे जाइए और यहाँ क्लिक कीजिए और इसके ऊपर नाम लिख लीजिए जो भी है, कि ये मेरी एक मोनो की स्प्राइट है, तो मैं इसके ऊपर लिख सकता हूँ। अब ये वाला पोर्शन मुझे इस कैट के ऊपर चाहिए, तो ये यहाँ ड्रॉप कीजिए, इसको यहाँ से उठाइए और यहाँ रख दीजिए, अगर ये बड़ा दिख रहा है तो इसको छोटा कर लीजिए, कि छोटा सा मुझे वहाँ दिखाई दे, बड़ा दिखाई नहीं दिए। इसके हेड के ऊपर मैंने इसको सेट कर लिया, और अब है कि ये मुझे पूरा सिलेक्ट, अदरवाइज ये क्या होगा, ये मोनो यहीं रह जाएगा और ये कैट कहीं भाग जाएगी। अब इसको कंप्लीट को सेट कीजिए और इसको ग्रुप बना दीजिए, तो ये अब इसके साथ ही रहेगा, कहीं जाएगा नहीं, अटैच हो जाएगा। और इसमें कहीं कहीं हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, मीन्स लाइन ड्रॉ करनी हो, मुझे कोई एक्स्ट्रा चाहिए तो यहाँ क्लिक कीजिए और यहाँ लाइन ड्रॉ कर दीजिए जी। फिर ये अगर स्क्वेयर चाहिए कहीं तो हम स्क्वेयर ड्रॉ कर सकते हैं कोई छोटा सा, और उसमें कोई कलर कर सकते हैं, या इसके यहाँ कोई अटैच कर सकते हैं। रेक्टेंगल चाहिए तो मुझे यहाँ कि इनके जब डिज़ाइन करेंगे तो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ एक रेक्टेंगल चाहिए, तो ये, और फिर इनको ग्रुप कर लीजिए, ग्रुप हो जाएंगे, अनग्रुप रहेंगे तो अलग अलग रह सकते हैं, तो ग्रुप बना दीजिए, ये ग्रुप बन जाते हैं। तो ये समझ में आया होगा।